अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, पिछले वीडियो में ख कैसे लिखना है वो हमने सीख लिया है। आज हम अपनी हिंदी प्रवेशिका के अंदर ख के बारे में आगे कार्य करेंगे। बच्चों, यहाँ पे जो चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो थर्मस का चित्र है। थर्मस तो आपने देखा ही होगा, जिसमें चाय गर्म रहती है, दूध गर्म रहता है। आप लोगों ने सबने थर्मस देखा होगा। तो ख से थर्मस। यहाँ पे बच्चों हमें बिंदुओं के द्वारा ख बताया गया है, जिसे पेंसिल फिरा के कंप्लीट करना है और पूरा शब्द बनाना है थर्मस। नए प्रश्न में बच्चों हमें हमारा वर्ण थ उसे ढूंढना है और उसको ऊपर गोल राउंड करना है। जहाँ जहाँ हमें था दिखाई देगा वहाँ वहाँ उसके ऊपर हम गोल राउंड करेंगे। इस तरीके से हम अपना ये प्रश्न कंप्लीट करेंगे। सिर्फ था के ऊपर ही गोल राउंड करना है, था के था से अलग वर्ण के ऊपर कुछ करना नहीं है, सिर्फ था के ऊपर। नए प्रश्न में बच्चों हमें पढ़ना है थ, और दूसरे चौरस के अंदर हमें जो थ का चित्र दिखाई दे रहा है उस चित्र में अपनी पसंद का कोई भी एक रंग भरना है। तीसरे चौरस में हमें पेंसिल फिरा के थ कंप्लीट करना है। थ कैसे लिखना है वो यहाँ पे दिखाया गया है, जो हम पिछले वीडियो से सीख चुके हैं। थ चौथे प्रश्न में बच्चों हमें थ लिखते जाना है, पढ़ते जाना है। थ साफ अक्षरों में लिखना है, जिससे अच्छे से दिखाई दे। पूरी तीन रेखा इस तरीके से कंप्लीट करनी है थ लिखकर। थ पेज नंबर 29 कंप्लीट हो जाए तो फिर पेज नंबर 30 पे जाना है। पेज नंबर 30 के ऊपर बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई देगा हमारा वर्ण थ। हमें थ से शुरू होने वाला चित्रों से थ को जोड़ना है, जैसे कि थ से थन, थ से थर्मामीटर, थ से थर्मस, थ से थाली। इस तरीके से हमें अपना ये प्रश्न कंप्लीट करना है। नए प्रश्न में बच्चों हमें अपना वर्ण थ जहाँ दिखाई दे, शब्दों में हमारा वर्ण थ जहाँ दिखाई दे उसके नीचे एक आड़ी रेखा खींचनी है। जैसे कि रथ, रथ में दूसरे नंबर पर थ है। नथनी, पथ, थल, पथरीला, थकान। जहाँ जहाँ हमें थ दिखाई दिया वहाँ वहाँ हमने रेखा खींच ली। इस तरीके से ये प्रश्न कंप्लीट करना है। नए प्रश्न बच्चों हमें थ से अलग वर्ण के ऊपर चौकड़ी की रेखा खींचनी है। थ के ऊपर नहीं, पर थ से अलग वर्ण के ऊपर। थ से अलग स है, स, ब, य, ख, य, प, छ। जहाँ जहाँ थ दिखाई दे रहा है उसे हमने वैसे ही रखा है, और जहाँ थ से अलग वर्ण दिखाई दे रहा है उसमें हमने चौकड़ी की निशानी कर ली है। नए प्रश्न में बच्चों हमें
चित्र दिखाई दे रहा है और शब्द भी हमें पढ़ना है, लिखना है। थन लिखकर, थ लिखकर पूरा शब्द बनाना है। थन थर्मामीटर, थानेदार, थापा, इस तरीके से यह प्रश्न कंप्लीट करना है। नए प्रश्न बच्चों, हमें अलग अलग शब्द दिखाई दे रहे हैं, उन शब्दों में से हमारा वर्ण थ ढूंढकर उस पर गोल राउंड करना है। नथनी, नथनी में बीच में ही थ दिखाई दे रहा है, जहाँ हम गोल राउंड करेंगे। रथ, पथ, जहाँ जहाँ हमें हमारा वर्ण त दिखाई दिया वहाँ वहाँ हमने गोल राउंड कर लिया है। इस वीडियो से बच्चों इंशाल्लाह सारे प्रश्न कैसे कंप्लीट करने हैं आपकी समझ में आ ही गया होगा। अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। जज़ाकअल्लाह।